किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को यह पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिलकर के रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा है। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, यहां के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था, लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचार इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? साथियों, कल मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने लिए आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन, जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। कि मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं।